हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतने साल 100 साल उम्र कोई पक्का घर नहीं बनाया ते जनाबे आला इतनी तवील उम्र तो बाद जदों आप तो पूछा गया आप दे मौत दे वेले हाँ जी जनाब की जनाब महसूस होया जावण वेले कितना वक्त रहे हो मैनू इंज लगे आया मैं कैसे मकान दाखिल होया एक दरवाजे चो आया ते दूसरे दरवाजे तो बाहर चला गया बस इतनी जी गल है जनाबे आला इत्थे बैठे हुए साढ़े बुजुर्ग चाचे ताए दादे दी उम्र वाले सफेद दाड़ियां वाले बुजुर्गों तो पूछो चाचा जी ताया जी दादा जी इतनी उम्र गुजर गई दाड़ी भी चिट्टी हो गई भरवट्टे भी चिट्टे हो गए दुवाल भी चिट्टे हो गए किंज लगे जवानी किवें गुजरी बचपन किवें गुजरिया उम्र किवें गुजरी ते आखणगे बच्चे आ सच्ची गल है कल दी गल है मैं बच्चा सा ए आज दी गल है मैं बुढ़ा हो गया वा ख्वाब लगे आए अज बचपन भी ख्वाब लगदा अज जवानी भी ख्वाब लगदी ओ वक्त भी ख्वाब लगदा है इस वास्ते मियां मोहम्मद बख्श फरमाने इस दुनिया ते माण करके रब नूं नाराज ना कर क्योंकि सदा न बागी बुल बुल बोले ते सदा न बाग बहारा सदा न मापे हुस्न जवानी ते सदा न सोबत यारा आज जेड़ा नौजवान अपने वाला नू बड़ा बड़ा के अपनी अखां नू बार बार कैमरे में देख के खुश होंदा फिरदा है मेरे वर्गी अख पूरे पिंड च किसे दी नहीं है पूरे जिन्हें छुप के गुनाह कीते होने ने किसे नू पता नहीं होना जिस वेले हुण अपने नाम अमाल नू वेखेगा ते उन्हां गुनाहां नू नहीं देखेगा मालिक करीम तू पुछेगा मालिक बहुत सारिया चीजा ने ऐसा जड़िया मेनू याद ते हैं लेकिन इतने लिखिया कोई नहीं फरमाया तू किसे नू नहीं दसिया असी ओंदे उत्ते सत्तारी वाली चादर पा छोड़ इत्थे की होंदा है और हां हदीस दे अंदर भी आंदा है कि बरोज़े हशर एक इंसान दे ऐब लुका ले जाणगे वो अपने नामे अमाल देखेगा ते आखेगा मालिक मेरी बड़े बड़े ऐब सन गुनाह सन मेरे इत्थे लिखे नहीं फरमा तू लोगों दे ऐब कश दस है जा ते इहदे सदके असीं तेरे ऐब कश छोड़ इत्थे की होंदा है अपने पहाड़ां नालों वड्डे ऐब होंदे ने दुनिया लुका दिंदी है नहीं जी अलहमदुलिल्लाह असीं ते मुसलमान हां जी आशिक रसूल ते दूसरे दा एक छोटा जिहा कंकर भी बर्दाश्त नहीं आप कोई बंदा शराब पी के आवे ते फिर भी आखे ना जी अल्लाह बख्शण आ रहे ते कोई बंदा खलो के पानी पी रहा होवे ते उहदे भी गल पै जाणी उहनूं कहणा कि भी तैनूं पता नहीं मेरे करीम आका दी हदीस सुणो मेरे आका ने फरमाया जी ने मजमे भरे दे अंदर अपने भाई नु मुखातब करके आख्या इत्तकुल्ला ओए अल्लाह तू डर ऐ काम ना कर हुजूर फरमांदे ने उहने उहनूं नसीहत नहीं कीती उहनूं जलील कीता लिहाजा मेरे आका दा तरीका मुबारक की सी हुजूर इस पासे बैठे बंदे नाल गल करदे सन ते चेहरा अनवर इधर होंदा कि अजकल लोग एक करन लग पे उन्हें पता लग जाता सी जिन्हें हुजूर सुनाना चाहते लेकिन लोगों नूं पता नहीं सी लगता कि हुजूर किनू आ ते इधर बैठे बंदे नाल गल करनी सरकार ने रुखे अनवर इधर कर ते अज अपने रवैये देखिए क्या साढ़े किरदार इंज दे हैं नाराज ते नहीं होए लिहाजा अगर असी अपने आप नूं कहने आ कि असी आशिक रसूल हाँ ते किरदार फिर उंज दे बनाओ कि हुजूर वेख के खुश होवन कि मेरा गुलाम किस तरह मेरे दसे तरीके ते चल रहे मेरे दसे हुए अहकाम नूं पूरा कर रहे